अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय जुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सामने देख रहे हैं ये हमारे पास जो है, मैंने ये पैटर्न लिखा है क्योंकि सेकेंड ईयर के तो पेपर्स हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर्स जो हैं अभी होने हैं 6 जून से। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है पेपर में भी, हम भी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, मतलब कॉलेजेस वगैरह में। तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने का मकसद है कि पेपर्स वगैरह इसने चेक किए हैं तो उसमें मिस्टेक्स वगैरह बच्चों की देखी गई हैं, तो उसकी बेस पे मैं नहीं बना रही हूँ। जिसमें आपका सबसे पहले पोर्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव का है, जो 17 मार्क्स का है, ठीक है। 17 MCQs होते हैं और इसमें एनसर्कल करना होता है। एनसर्कल आपने उस क्वेश्चन पेपर पर नहीं करना, OMRI होती है उसमें करना होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, और 12 में से 8 करने होते हैं पहले में, फिर 12 में से 8 और फोर्थ वाले में 9 में से 6 करने होते हैं। आगे मैंने इनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, उसके 2 पार्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इसमें से 5 क्वेश्चन में से आपने 3 मीन टू से अगर 5वां कर रहे हैं तो उनके दोनों पार्ट्स, छठा कर रहे हैं उसके उनके दोनों पार्ट्स, 7वां कर रहे हैं तो उनके दोनों पार्ट्स। ये नहीं कि आप 5वें का ही पार्ट करके क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करो तो एक क्वेश्चन कंसिडर होगा, नहीं। एक क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स हैं दोनों करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है जिसमें 4-4 की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, तो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे 24 मार्क्स का। तो ये टोटल हमारे पास जो है वो हमारा 85 मार्क्स का पेपर होता है जो अटैम्प्ट करना होता है हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं OMRI में छोटी सी बनाई है रफली आपको समझाने के लिए कि इसी तरह आपके पास OMR आती है आपके बोर्ड के पेपर के साथ भी, और आपके जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसमें साथ आपको जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे दिए जाते होंगे प्री बोर्ड और सेंडअप्स के साथ। तो ये जो क्वेश्चन जैसे आप 1 है तो 1 के आगे 4 ऑप्शन मेंशन है, इसी तरह 2 है 3 या 4, ऐसा करते हुए 17 होंगे जिनके आगे जो है वो 17 या 20 होंगे जिनके आगे उन्होंने ऐसे करके लिखे होंगे ऑप्शन, ठीक है। उसमें से जो अपना सही तरीका है वो पहला वाला जो मैंने किया हुआ जिसको सर्कल, वो है जिसको आपने सही से सर्कल करना है, ना बाहर हो ना बिल्कुल अंदर सा खाली हो, जिस तरह सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, ये गलत कंसिडर होंगे, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इसमें जो अवर राइटिंग होती है, जैसे एग्जांपल तौर पे आपने सी पे भी लगा दिया कार्ड के फिर बी पे कर दिया तो बेटा उसके नंबर नहीं मिलेंगे, बेशक आप उसको जो है वो रिमूव कर दोगे वो नज़र आ जाता है, अवर राइटिंग के नंबर नहीं मिलते। और सही से उसको फिल करना होता है सर्कल को, अगर नहीं करोगे तो वो सही कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। में जिस तरह जो है ये बना हुआ है कि भाई आपने पहले सी सिलेक्ट किया, फिर आपको लगा नहीं ये गलत है तो फिर आपने ए वाला कर दिया, बेशक आपने सही भी फिल किया होगा, पूरा फिल नहीं भी किया होगा सी वाले को, तो ये ओवर राइटिंग में कंसिडर होगा और उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके बताया कि अब आपका ऑब्जेक्टिव तो हो गया, सब्जेक्टिव आपने अटैम्प्ट करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा जिसके आपके होंगे 12 पार्ट जिसमें से आपने अटैम्प्ट करना है 8। तो एग्जाम्पल के तौर पर पार्ट 1 मैंने अटैम्प्ट करके दिखाया कि क्वेश्चन आया हुआ डिफाइन बायोलॉजी, व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजी, तो इसमें बायो की डेफिनेशन लिखनी है, बायो की हेडिंग देंगे, पार्ट 1 मेंशन करेंगे, अगर पेपर में पार्ट 1 मेंशन हुआ तो आप भी पार्ट 1 मेंशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का लिख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 2 पर मेंशन करोगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो इधर अटेम्प्ट कर रहे हो और कह रहे हो मुझे नंबर नहीं मिले, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये करेंगे, बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखेगी, जिस जो चीज़ें आपको लग रही बीच में हाईलाइट करने वाले हैं वो हाईलाइट कर लें, मैंने थोड़ी गंदी राइटिंग में किया हुआ है, आप थोड़ी नीच राइटिंग में कीजिएगा। और फिर ब्रांचेज में थोड़ी सी बता देंगे, भाई बायोलॉजी की डेफिनेशन तो ये है लेकिन साथ में इसकी मेन ब्रांचेज जो है, मेन ब्रांचेज की बात है, सारी ब्रांचेज ना लिखने बैठ जाएगा टाइम नहीं होता, मेन ब्रांचेज के नाम लिख दें, बेशक उनको आप एक्सप्लेन ना करो, जस्ट नाम लिख दें ताकि एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि बच्चे को जो है वो काफ़ी नॉलेज है क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया पार्ट 1 का, उसको एंडिंग लाइन ड्रॉ करें, मतलब वो पार्ट खत्म हो गया, फिर उसके नीचे हेडिंग डालें जी पार्ट 2 की, पार्ट 3 की जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, टाइम शॉर्ट है, क्वेश्चन लिखें भी ना क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, तो आप पार्ट वही मेंशन करें जो आपके पेपर में मेंशन हुआ हुआ है और उसी क्वेश्चन का मेंशन करें जिस क्वेश्चन का आप अटैम्प्ट कर रहे हो। ये नहीं कि अपने पेपर के मुताबिक अपनी नंबरिंग कर रहे हो कि आपने आखिरी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर दिया उसे पार्ट 1 का नाम दे दिया, ऐसे नहीं करना, जो पेपर में दी हुई नंबरिंग उसी नंबरिंग को आप फॉलो करेंगे। तो पे क्वेश्चन नंबर 3 पे पार्ट 3 आप अटैम्प्ट कर रहे हो, पॉलीसोम की डेफिनेशन लिखो टू द पॉइंट ऑफ आंसर, तो बहुत लंबा चौड़ा भी ना लिखो, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। पॉलीसोम हमारे पास क्या होता है, जिसमें राइबोसोम्स बाइंड किए होते हैं मैसेंजर RNA से और फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मा में मूव कर रहे होते हैं, ऊपर आप उसकी डेफिनेशन लिख दो, नीचे उसकी डायग्राम बना दो, लेकिन डायग्राम सेंटर में बनाइएगा, ये नहीं कि साइड में छोटी सी घुसेड़ दो और कहो जी भाई ये मेरी डायग्राम बन गई है, डायग्राम प्रॉपर प्रोमिनेंट हो, पता चले जी आपने डायग्राम बनाई है, लेबलिंग उसकी एक साइड पर कीजिएगा, ये नहीं कि ऊपर भी करें नीचे भी करें, यह गलत होगा, वो फिर अच्छा
इम्प्रेशन नहीं जाएगा। अगर अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाना है तो अपनी लेबलिंग एक साइड पे कीजिएगा, सीधी सीधी कीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी ना कीजिएगा, और मेंशन कीजिएगा भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे मैंने पॉलीसोम नीचे मेंशन कर दिया कि ये जो डायग्राम है पॉलीसोम की है, साइड पर बता दिया राइबोसोम पे है, मैसेंजर आरएनए, और जो ऊपर रिलीज हो रहा है दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये इस तरह करके क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। मैं शॉर्ट की बात करी, लॉन्ग फिर उस लिहाज से आपने अटैम्प्ट करने हैं। जैसे लाइफ साइकिल को याद है तो लाइफ साइकिल आपने प्रॉपर बनाना है, पेंसिल यूज़ करनी है, पेन यूज़ करना है, बेहतरीन है तो पेन यूज़ कर लें। ये होता है कभी कभार के जो जेन में आता है कि भाई ये नौ मिटा के नंबर मारे कम कर लें, ये सब चीज़ में ये होती हैं, सो जाती है, तो वो चीज़ें आप जो है ना वो देख लें इस चीज़ का।